I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my message. तो गैस आज हम सीखेंगे स्विंग 360 कैच, जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड ईजीएस्ट स्किल है और बहुत ही कूल स्किल है. अगर आप प्रोफेशनल कैलिस्थेनिक सीखना चाहते हैं और फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्विंग 360 कैच सीख लेना चाहिए. तो गैस अब ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं. तो गैस सेफ्टी फर्स्ट है, आपको कभी भी जंग वाले बार पे प्रैक्टिस नहीं करना और बार को हमेशा साफ़ करें अच्छे से, कहीं पे भी नोकीला चीज़ नहीं रहना चाहिए बार में. और जब भी आप करें नीचे मैट ज़रूर डाल लें ताकि आपको इंजरी ना हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग करें तो बहुत बार गिरेंगे. और फिर आपको पाउडर रखना है ताकि आपका हाथ स्लिप ना हो, करते करते पसीना आता है तो स्लिप होता है, तो उससे क्या होगा कि आप करते करते हाथ छूट भी सकते और गिर सकते हैं. तो आप पाउडर लगा के अच्छे से ऐसे पहले हैंग करें बार पे, अपने बॉडी को स्ट्रेच करें और फिर ऐसे टर्निंग मूवमेंट्स करें ताकि आपका माइंडसेट बहुत अच्छे से डेवलप हो और ग्रिप बिल्कुल स्ट्रांग हो आपका, ठीक है. और ये टर्निंग से आपको ट्विस्टिंग में और रीकैच में बहुत हेल्प मिलेगा. तो गाइस अब इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं. तो अगर आपको क्लीन 360 कैच सीखना है और एकदम स्मूथ कैच सीखना है तो आपका स्विंग बहुत ही अच्छा और टेक्निकली परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके आप बहुत ही स्मूथ कैच एंड इजी कैच सीख सकते हैं, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्विंग कैसे हो रहा है, कि पीछे मैं कैसे हॉलो बॉडी रख रहा हूँ एंड देन टैप करके सामने किक कर रहा हूँ. तो ये स्विंग आपको होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. और अगर आपको स्विंग नहीं आता और आप बहुत ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और फिर हम ट्यूटोरियल बनाएंगे इसका. और अगर आपका स्विंग बहुत ही अच्छा है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं. तो अभी आप देख सकते हैं कि स्विंग मैं कर रहा हूँ. अब इसके बाद थर्ड स्विंग में मैं अपने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकूँगा बार को पुश करते हुए, देख सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा पुश करके आपको लैंडिंग करना और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है. एक बार और देखिए आप, थर्ड स्विंग में आपको ज़ोर से अपने बॉडी को बार से भी ऊपर पुश करना है, ठीक है, देख सकते हैं. इसको आप जल्दी से जल्दी परफेक्ट कीजिए. अब हम आगे चलते हैं. अब देख सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में है, हमें स्विंग करना है और फिर थर्ड स्विंग में आपको ज़ोर से पुश करके वापस कैच करना है. अब देख सकते हैं फिर से स्विंग हुआ एंड देन पुश वापस से री कैच. तो ये करते करते आपको समझ आया कि 360 घूमना है और कैसे कैच करना है, ठीक है, देख सकते हैं. तो ऐसे ही आपको अटैम्प्ट लेना है. अब आपको थर्ड स्टेप में फ्लोर में 360 घूम के लैंडिंग करना है. तो आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं 360 घूम करके लैंडिंग कर रहे हैं. तो आपको भी ऐसे फ्लोर में एक्सपर्ट बनना है पहले 360 में, उसके बाद ही आप एयर में अच्छे से कर पाएंगे. तो इसमें नीचे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप एयर में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं मेरा बॉडी कितना लाइन में है और कितना स्मूथ 360 लैंडिंग हो रहा है. तो अगर आप 360 कर लेते हैं तो आप आगे 540 720 भी लैंडिंग करें ट्विस्ट करके, तब जाके आपको ऊपर बहुत ही इजी रोटेशन मिलेगा. तो गाइस इसकी बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रैक्टिस करो एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम. तो अब नेक्स्ट स्टेप में है आपको स्विंग करना है एंड देन बार को थ्रो करके ऊपर 180 करके लैंडिंग. आप देख सकते हैं इस वीडियो में बार से थ्रो किए एंड देन जैसे ही आप एयर में थे 180 टर्न एंड लैंडिंग. तो अगेन प्रशांत करने वाले हैं, तो आप इसमें अच्छे से फोकस करें कि वो कैसे कर रहे हैं. तो देखिए स्विंग आपको थोड़ा बढ़ाना है एंड देन 2 या 3 स्विंग में आपको जैसे कंफर्टेबल है बार के ऊपर चढ़ना है, पुश करना है, टर्न करके लैंडिंग करना है. तो आप देख सकते हैं अभी आधी कर रहे हैं. ओके, तो गैस आपका ऐसे ही हो सकता है स्टार्टिंग. आप जैसे अटेम्प्ट लेंगे तो एक बार में परफेक्ट नहीं होगा, आप ऐसे गिरेंगे भी, मूवमेंट थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन आप करते करते परफेक्ट कर लेंगे. इसलिए आपको सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैट डाल के ही करें. तो ये गाइस अब नेक्स्ट स्टेप है. जैसे आपका 180 टर्न परफेक्ट हो जाएगा, 180 टर्न करके लैंडिंग, फिर आपको नीचे एक और टर्न करना है. आप देख सकते हैं इसमें कर रहे 180 टर्न एंड देन लैंडिंग करके अगेन टर्न. तो अभी मैं आपको शो करूंगा कि कैसे करना है. फिर से आप ध्यान दीजिए, स्विंग करना है ऊपर बार को थ्रो करते हुए 180 टर्न एंड देन लैंडिंग में 180. तो ऐसे हम ब्रेक करके 360 सीखेंगे, लैंडिंग एंड देन लैंडिंग. तो ये 360 आपको करते बन जाएगा, धीरे धीरे आपका माइंड सेटअप होगा. तो अब मैं ट्राई करूंगा ऊपर में ही 360. तो आप देख सकते हैं इसमें, देखिए, तो आपको पहले तो ऐसे ही करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप प्रोग्रेशन करते करते आपका मोमेंट फ्री होगा. तो पहले आपको ऐसे ही ट्विस्ट सीखना पड़ेगा, आपका नीचे में ही ट्विस्ट होगा बार के, ठीक है. तो ऐसे ही आप सीखेंगे, ये मैं एकदम एग्जैक्ट जैसे आपका होने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ.
तो गैस आई होप कि आपको सारे स्टेप्स समझ आ रहे होंगे। पहले हमने 180 टर्न करके लैंडिंग किया, फिर लैंडिंग करके फिर 180 और टर्न किया, अब हम लगातार 360 कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, करते करते आपका ऐसे ही फ्री मूवमेंट्स आना चालू हो जाएगा। फिर आप और अपने बॉडी को ऊपर पुश करेंगे, ऊपर लिफ्ट करेंगे, 360 स्पीड घूमेंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैं वहीं कर रहा हूँ 360, एंड हाथ मेरे चेस्ट के पास है और मैं स्पीड घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, टाइम लगेगा, लेकिन आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते करते ये मूवमेंट अचीव कर लेंगे। तो गाइस आप नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कि अब मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ और अपने हाथ को बार पे टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको कैच का प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको बस हाथ को रिलीज करना है और बार पे टैप करना है। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, मैं ट्विस्ट करूँगा और हाथ लगाने का, मतलब हाथ ऊपर खोलने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टूडेंट है प्रशांत, ये भी आप देख सकते हैं सेम अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो अब ये ट्विस्ट करेंगे और देखना उनका हाथ ट्विस्ट एंड देन ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं हाथ को, ठीक है, ताकि वो बार टच कर पाए और बार ग्रैब कर पाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका हाथ टच होगा कभी कभी, कभी कभी आप बार से दूर जाओगे, कभी एकदम पास आओगे, तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे परफेक्ट होता रहेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, फिर आपका बार टच होना स्टार्ट होगा। और फिर आपको जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप इसको 50-60 ऐसे अटेम्प्ट कर लोगे, 100 अटेम्प्ट कर लोगे, किसी का जल्दी आता है, किसी का लेट आता है। ठीक है, आपको ये फील भी आएगा, देख सकते हैं वीडियो में, जैसे कि मैंने अभी ट्विस्ट किया और बार को बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि मैं कैच कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं हर बार वहीं अभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरा ट्विस्ट अच्छा हो रहा है, मैं हाथ रिलीज़ कर रहा हूँ और बार प्रॉपर टच हो रहा है मुझसे। ठीक है, तो आपको भी ये फील आएगा कि मैं अब बार पकड़ सकता हूँ। तो गाइस जब भी आपको ये फील आएगा, उसके बाद ही आपको पूरा बार कैच करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे ऐसा लगा कि मैं बार पकड़ ही लिया, उसके बाद रिलीज़ हो गया। ठीक है, तो जब ये फील आएगा तभी आप बार को रीग्रैब करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रशांत कर रहे हैं, तो उनका कैच होता है कि नहीं, तो देखें, वाह यार, वेरी गुड। तो प्रशांत ने पहली बार इस वीडियो को बनाते हुए फर्स्ट टाइम इनका 360 अचीव हुआ आज ही। ठीक है, तो देख सकते हैं ऐसा होता है, ये अभी जितना भी प्रैक्टिस कर रहे थे बिल्कुल रियल था, कोई ऐसा एक्टिंग नहीं था, वो खुद ही अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसे ही आपका भी कैच होना स्टार्ट होगा, आप बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और आप भी ये लेवल बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो अब देखो, अब मैं भी कैच करके आपको दिखाता हूँ, तो आपका भी बिल्कुल ऐसे ही स्विंग करके कैच बिल्कुल इजी हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं कितना स्मूथ कैच किया। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मूवमेंट स्पीड होगा, स्मूथ होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर जाके आप इस लेवल पे कॉन्फिडेंट होके कैच कर सकते हैं। तो गाइस बेस्ट विशेस है मेरी कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और ऐसा कैच जल्दी सीख जाएँ। और नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्प मिला कि नहीं मिला आपको इस वीडियो से, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस में चाहिए ये आप कमेंट करके बताओ। और हाँ, मैं अभी 540 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड स्विंग करके 540 कैच की। तो ये जैसे ही हो जाता है मैं ट्यूटोरियल इसका भी जल्दी लेके आऊँगा। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस्ड।